हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी मस्क फुटबॉल किक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, बहुत सारी न्यूज है जो कवर करनी है। तो चलिए सबसे पहली न्यूज ये निकल कर आ रही है कि जाओ विक्टर जो कि हैदराबाद एफसी के कैप्टन है, उनको ऑफर दिया है ईस्ट बंगाल एफसी ने। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये कंफर्म होगा कि नहीं, लेकिन एक र्यूमर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद एफसी उनको रिलीज करेगी। अगर रिलीज करेगी तो ईस्ट बंगाल एफसी को उन्हें ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी जो कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास प्राइस है उनकी, और 3 ईयर्स की डील है हैदराबाद एफसी के साथ में जाओ विक्टर की। अगर ईस्ट बंगाल उनको लेना चाहती है तो उन्हें ट्रांसफर फी पे करनी पड़ेगी, तभी जाकर ईस्ट बंगाल एफसी में जाओ विक्टर आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद एफसी उनको रिलीज करेगी, क्योंकि काफी अच्छे उनके कैप्टन हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं, चैंपियंस बनाया उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि ये डील कंफर्म हो पाएगी। अगली बात निकल कर आ रही है कि अनिकेत यादव जो कि हैदराबाद एफसी के ही लेफ्ट विंगर हैं, उनका लिंकअप हुआ है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ में। और खबर ये निकल कर आ रही है कि एडवांस स्टॉक पर चल रहे हैं, कंफर्म हो भी सकती है डील और नहीं भी हो सकती, क्योंकि हैदराबाद एफसी को लेफ्ट विंगर्स की जरूरत है। और अनिकेत यादव ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी पिछले सीजन 8 में, तो मुझे नहीं लगता कि ये डील कंफर्म हो पाएगी। लेकिन एडवांस स्टॉक पर फ्रेंड्स 50-50 है। अगर उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि यादव को अच्छा लगता है कि उन्हें ईस्ट बंगाल के साथ में खेलना चाहिए, अगर उन्हें पसंद है तो वो जा सकते हैं, और उनका मन है तो वो हैदराबाद एफसी में भी रुक सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक र्यूमर के तौर पर ये कहूंगा। तीसरी न्यूज निकल कर ये आ रही है कि अमरजीत सिंह कियाम जो कि जमशेदपुर एफसी में खेले, फिर एफसी गोवा में चले गए, आई लीग में खेले, अब वो फुल्ली कंफर्म हो चुके हैं ईस्ट बंगाल एफसी में। अगले सीजन 9 से वो ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। चौथी न्यूज निकल कर आ रही है ऋत्विक दास जो कि जमशेदपुर एफसी के लेफ्ट विंगर हैं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, 4 गोल मारे थे, 1 या 2 असिस्ट किए थे। जिस वक्त उनको गोल की जरूरत थी ऋत्विक दास ने गोल मारे जमशेदपुर एफसी के लिए, बढ़िया से बढ़िया स्किल्स दिखाई। और ईस्ट बंगाल काफी दिनों से इनके पीछे पड़ी हुई है और पता नहीं कंफर्म होंगे कि नहीं, क्योंकि इनके तो कोई एडवांस स्टॉक भी नहीं है, और जमशेदपुर एफसी के साथ में इनका 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। लेकिन अगर ईस्ट बंगाल एफसी इनको ट्रांसफर फी दे सकती है तो ये ईस्ट बंगाल एफसी जमशेदपुर एफसी को ट्रांसफर फी पे कर सकती है, तो ये फुल्ली कंफर्म हो सकते हैं ईस्ट बंगाल में। अब पांचवी न्यूज ये निकल कर आ रही है कि वीपी सुहेर जो कि फुल्ली कंफर्म हो चुके हैं ईस्ट बंगाल में, केरला ब्लास्टर उनके पीछे गई थी, कुछ टीमें और गई थी, लेकिन ईस्ट बंगाल की तरफ से पहले भी वीपी सुहेर खेल चुके हैं और उन्हें ये ऑफर पसंद आया। अब वो नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्टली शिफ्ट हो रहे हैं ईस्ट बंगाल एफसी में, और फुल्ली कंफर्म न्यूज है ये, वीपी सुहेर फुल्ली कंफर्म हो चुके हैं ईस्ट बंगाल एफसी में। तो आज की न्यूज में बस इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।